गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से, और मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज है कनागत। हम कनागत ही बोलते हैं, वैसे तो इन्हें श्राद्ध कहते हैं, पर गांव में कनागत बोलते हैं, तो आज है कनागत। और मैं बना रही हूँ खीर। उसके लिए मैं पहले चावल उबाल रही हूँ कुकर में, उसके बाद ही फिर मैं इन्हें भगोने में बनाऊँगी जब ये उबल जाएंगे। इससे जल्दी से खीर बन जाएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और देखिए, मैंने अभी दूध में डाल दिए हैं चावल, और अभी इन्हें चला रही हूँ क्योंकि इसमें नीचे लगने का डर रहता है, तो इन्हें थोड़ी देर तो चलाना ही पड़ेगा। और ये बनने वाली है, इसमें मैंने इलायची भी डाल दी है। थोड़े से मैं इनमें ऐड करूँगी किशमिश और काजू। अब ये जल्दी से बन जाएगी, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगी। बस अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं काजू और किशमिश, और अभी इसको चला रही हूँ थोड़ी देर, फिर मैं कर लेती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। सब्जी में मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर, और यहाँ पर मैं आलू टमाटर भी काट रही हूँ, साथ में खीर भी देख रही हूँ। खीर भी बन जाएगी और सब्जी भी कट हो जाएगी मेरी। इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी क्योंकि इसके लगने का डर होता है। अगर खाने की कोई भी चीज़ लग जाए तो उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, और उसमें स्मेल आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। अभी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। खीर तो बन गई, इसको अच्छे से चला लेती हूँ और फिर मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। फिर मुझे बनानी है सब्जी, और आज मैं जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि कनागत है। खाना आज जल्दी बन जाएगा और सारा काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अभी मैं छौंक लेती हूँ आलू और टमाटर, और आलू टमाटर की सब्जी के साथ मैं बनाऊँगी पूरी। पूरी हमारे यहाँ सभी को पसंद है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मैंने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं छौंक में, और टमाटर भी डाल दिया है। इसको मैं ढककर रख दूँगी, और टमाटर पक चुका है। अभी मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, देखिए अच्छे से पक गए हैं। अब इनमें आलू डालकर मैं कुकर बंद कर दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी पूरी। और उसकी मैंने आटा भी बना कर रखा हुआ है। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और ये गरम हो जाएगा, फिर उसके बाद ही मैं पूरी बनाऊँगी। तब तक मैं अपना आटा तैयार कर लेती हूँ। मैं बनाऊँगी पूरी अजवाइन डालकर, इसको डालकर बहुत अच्छी लगती है पूरी। और मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल लिया है, और मैं इसे आटे में मिला लूँगी। और थोड़े आटे की मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि पापा जी पूरी नहीं खाएंगे, उन्हें डॉक्टर ने मना किया है, तो वो रोटी ही खाएंगे। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़ा सा नमक और ऑयल मिला लूँगी। इसको मिलाने के बाद फिर मैं इसमें मुक्की लगा लूँगी अच्छे से, और फिर बना लूँगी इसकी पूरी। बच्चे भी घर पर ही हैं, उनकी छुट्टी है, और गर्मा गर्म पूरी बनाने के बाद खाना हो जाएगा तैयार, और बच्चे निकाल देंगे हथकार। हम तो हथकारी बोलते हैं, पता नहीं और आप लोग क्या बोलते हैं। बस फिर हथकार निकालने के बाद गाय को रोटी दे देंगे और फिर खा लेंगे सब लोग। Thank you.
खाना पूजने के बाद अक्की दे रहा है सूर्य को जल तुलसा जी में। अभी मेरा भी काम ख़त्म हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मस्त फैमिली ब्लॉग। और आज दिन है ट्यूजडे। आज तो मुझे बहुत ही थकान सी हो रही है, पता नहीं क्यों, जैसे बुखार में होती है। और मैंने अपना कंबल भी धोया है आज। मैं हर साल अपने घर पर ही धो लेती हूँ कंबल को, क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं है, इसलिए घर पर ही धो लेती हूँ मैं हर साल। और इस बार भी मैंने इसको धोया है, पर अब की बार मैंने थोड़ा लेट धोया है। कंबल को धोने के बाद मैंने इसे चारपाई पे रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए सारा। और अभी मैं इसको फैला देती हूँ, और मैं इसको फैलाऊँगी बाहर रेलिंग पर, और वहाँ पर इसका पानी भी अच्छे से सूख जाएगा और कल तक ये सूख भी जाएगा। तो मैं इसे डाल देती हूँ रेलिंग पर। शाम हो गई है, मुझे अभी खाना भी बनाना है शाम का। मम्मी दूध निकाल रही है, अभी मुझे दूध भी उबालना है। मम्मी आवाज़ लगा रही है, तो पहले मैं दूध ले आती हूँ नीचे से। दूध लेने के लिए मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक रस्सी बांधी हुई है। और ज़्यादातर हम हल्के पुल्के काम इसी से कर लेते हैं, और इस रस्सी से बहुत ही सारे काम हो जाते हैं। जो भी हमें चीज़ें लेनी होती हैं, हम इसकी सहायता से ही ले लेते हैं नीचे से, और इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। ये रस्सी एक तरह की लिफ्ट है, और यहाँ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये फूल खिले हुए। और मैं अभी इन्हें देख रही थी, तो मैंने सोचा इनकी भी वीडियो बना दूँ। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। नीचे मेरी जेठानी डाल रही है गाय को घास, और बच्चे भी नीचे ही खेल रहे हैं। वहीं पर उन्होंने पूरा आतंक मचाया हुआ है। और बस अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा काम मुझे भी है, तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से बातें करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर थोड़ी देर घूमने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं बस अभी अभी अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही आई हूँ। और अभी मैंने बच्चों की ड्रेस को प्रेस किया है, क्योंकि सुबह उनका पेपर है, तो इसलिए अभी मैंने सारी तैयारी कर दी है उनकी सुबह स्कूल जाने की, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम होता है और हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ रह ही जाता है उनका। तो मैंने उनका सारा सामान अभी तैयार कर दिया है सुबह ले जाने का भी, उनकी ड्रेस भी प्रेस करके रख दी है। और बस सुबह का नागत भी है, तो इसलिए और भी ज़्यादा काम रहेगा। और आज थोड़ा सा बस मेरा मूड ख़राब है, क्योंकि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, मेरी कल की वीडियो नहीं डल पाई। और मैंने सुबह वो 3-4 बार डाली, पर नहीं गई, वो रिजेक्ट हो गई। और मैंने जो वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दिया, तो वो सारी डिलीट हो गई। और फिर मेरे फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो गया, तो मेरी वीडियो आज नहीं आ पाई। और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, और मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, पर सारी करा कराए पर पानी फिर गया। लेकिन आज भी मैंने पूरी कोशिश करके ही बनाई है वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।